Hello, good morning students. This is 11th 12th class और subject हम पढ़ रहे हैं English grammar. English grammar में हमारा first chapter चल रहा है direct and indirect. Previous class में मैंने कल आपको बताया था direct जो indirect है वो आपके 2 marks के आते हैं UP board में और हम ये बिल्कुल basic से करा रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस का डे सेकंड है ये इंग्लिश ग्रामर में लेसन फर्स्ट का और हम इसे आज असर्टिव सेंटेंस में करेंगे. फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन देयर आर 5 kinds ऑफ असर्टिव सेंटेंस. फर्स्ट इज देयर आर 5 kinds ऑफ सेंटेंसेस असर्टिव सेंटेंसेस. फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस, सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंपेरेटिव सेंटेंस, फोर्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड फिफ्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो आज हम सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस में पढ़ेंगे जो नरेशन हम किस तरह से बनाएंगे और रूल नंबर फर्स्ट और रिपोर्टिंग वर्ब अगर असर्टिव सेंटेंस में आती है. सी रिपोर्टिंग वर्ब में आ रहा, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया था रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है और एक बार फिर हम रिवाइज करा देते हैं. जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है वो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होती है और जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है वो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है. क्लियर. अब उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब पर आ जाते हैं. रिपोर्टिंग वर्ब से है और उसको हम किस में चेंज कर देंगे, से को से में. सेज है सेज को सेज में और से टू आ गया तो उसे किसमें चेंज कर देंगे, टेल में. और सेज टू आ गया तो उसे किसमें चेंज कर देंगे, टेल्स में. और सेड आ गया तो उसे किसमें चेंज कर देंगे, शेड में. और सेड टू आ गया तो उसे किसमें चेंज कर देंगे, टोल्ड में. रिपोर्टिंग वर्ब हो गई कंप्लीट. रूल सेकंड आता है इन्वर्टेड जो कॉमाज होता है ये वाला कॉमाज आपको मिलेगा को हटाने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं असर्टिव सेंटेंस में. ये असर्टिव सेंटेंस के लिए है. असर्टिव सेंटेंस में जो इन्वर्टेड कॉमास को जब हम हटाएंगे तो उसमें कंजंक्शन दैट लगाएंगे. क्लियर है, समझ में आ रहा है. आगे देखेंगे रूल थर्ड देखेंगे. यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है. इट मींस प्रेजेंट टेंस के किसी पार्ट में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो, प्रेजेंट परफेक्ट में हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, ऐसे फ्यूचर इंडेफिनिट में हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस में हो, फ्यूचर परफेक्ट में हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, अगर आपकी इन टेंसेस में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है देन रिपोर्टेड जो स्पीच होती है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा टेंस होता उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती, एज इट इज ही हम उसे राइट करते हैं. गॉट इट, समझ में आ रहा है. सच है देखने, सी सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, ही रीड्स द गीता. सी का सी आ गया, सेज टू को मैंने किस में बताया था, देखिए यहां पर टेल्स में. सी टेल्स मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या बताया रूल सेकंड में, डेट लगाते हैं. डेट आ गया हमारा ही. अब देखिए रीड्स द गीता हमने यहां पर लिख दिया रीड्स द गीता. हमने यहां पर चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मींस प्रेजेंट टेंस में तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी. समझ में आ गया, कर लेंगे ना, राइट इट. अब ये तुम्हें लिखना है और होमवर्क के लिए आपकी एक्सरसाइज बुक में आपके पास इंग्लिश ग्रामर की जो बुक है उसमें एक्सरसाइज फर्स्ट करनी है. उसमें 10 sentences करेंगे. ये रहा ये वाला, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. एक्सरसाइज फर्स्ट है ये और इसके आपको 1 to 10 करने हैं. फर्स्ट से लेके 10 तक ये करना है और ये बोर्ड के एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे जो एग्जाम्स देंगे आप भी ये करते हैं इंग्लिश और लेते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें. और 1 to 10 करने और पेज नंबर आपका ये बुक में पेज नंबर 4 पे है. ये हमारे पास जो बुक है आपकी बुक में 4 या 5 पर हो सकती है. ओके, थैंक यू.